हेलो एवरीवन, सो स्टूडेंट्स, हम एशिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड पढ़ रहे थे. सो आज भी हम उसी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें देखेंगे एशिया का जो हम देखेंगे इसमें क्या भाई जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर हम क्या कहेंगे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में एशिया के अंदर क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है. तो पहली चीज़ कि यहाँ पर हम देखें तो एशिया के अंदर यंग टर्शियरी माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, जैसे हिमालयाज हो गए, ठीक है, यंगेस्ट हम इसको कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड जो हिमालयाज हैं, जहाँ पर आपके पास माउंट एवरेस्ट एक साइड वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और दूसरी साइड लोवेस्ट प्लेसेस वर्ल्ड की, जैसे डेड सी है, ठीक, उसके अंदर आपके पास जैसे हमारे पास डेड सी हो गया, उसके बाद आपके पास मेरेना ट्रेंच हो गया. तो ये एक साइड आपके पास हिमालयाज हैं जो इसमें वर्ल्ड की सबसे ऊंची आपके पास माउंट एवरेस्ट है और दूसरी साइड मेरेना ट्रेंच, ये सब आपके पास एशिया के अंदर मिल रही, ठीक है, नियर द फिलीपींस आइलैंड, ठीक. तो ये चीज़ भी है, हाईएस्ट पीक भी यहीं पर एशिया के अंदर और डीपेस्ट पॉइंट भी एशिया के अंदर. एक चीज़ कि भाई यहाँ पर वेरायटी है, डाइवर्सिटी है. दूसरा उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर वेरी हॉट डेजर्ट जिसमें आपके पास थार है, अरेबियन डेजर्ट है एक साइड पर, थार हो गया, उसके बाद अरेबियन डेजर्ट आप देखेंगे, ठीक है. ये देखिए देखिए आप इंडिया के अंदर थार डेजर्ट है, उसके बाद हम अरेबियन डेजर्ट भी आपके पास आ जाता है और दूसरी साइड आपके पास कोल्डेस्ट डेजर्ट भी है जिसमें आपके पास गोबी है, उसके बाद टुंड्रा रीजन, ये पूरे के पूरे इसको कहते हैं टुंड्रा रीजन के अंदर, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट बैरन है, यानी खाली जगह है पूरे के पूरे. तो यहाँ भी वेरिएशन है, एक साइड आपके पास हॉटेस्ट डेजर्ट भी है, कोल्डेस्ट डेजर्ट भी एशिया के अंदर आपको मिल रही है, ओके. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि यहाँ पर हाइस्ट प्लेट्यू भी है वर्ल्ड का, जिसको हम पमीर प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है, यह रहा पमीर प्लेट्यू, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक. और यहीं पर आपके पास ऐसी लेक्स हैं जो कि बिलो सी लेवल, जैसे लेक बेकाल हो गया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे टकला मकान डेजर्ट देख सकते हो, ठीक है, टकला मकान हो गया, ठीक, ये भी एशिया के अंदर है. और ऑलमोस्ट हर टाइप का क्लाइमेट आपको एशिया के अंदर देखने को मिलेगा. ये खुद में एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट है कि जिस भी वेराइटी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी एक ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पर सबका सब क्लाइमेट, हर टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिले, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है एशिया के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, 35 लार्ज स्ट्रीम्स हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें से 15 स्ट्रीम्स जो हैं वो एशिया के अंदर फ्लो कर रही हैं, यानी रिवर्स जो हैं, जिसमें आपके पास फांग हो गया, चाहे वो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस हो गया, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें तो यांगजी कियांग रिवर है, ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े रिवर जो हैं वो हमारे पास एशिया के अंदर हैं, ठीक. उसके बाद एशिया हैज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कोल्डेस्ट प्लेस वो आपके पास एशिया के अंदर देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं वर्खोयांस्क, ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, ठीक. उसके बाद हॉटेस्ट पोर्ट भी वर्ल्ड का जो आपके पास जकोहाबाद सिंध पाकिस्तान में है, हॉटेस्ट प्लेस. तो दोनों आपके पास कोल्डेस्ट प्लेस भी यहाँ देखने को मिल रहा है और हॉटेस्ट प्लेस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये भी एक वैरायटी आ गई, ओके. उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मासिनराम है चेरापूंजी के अंदर, जो कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल 1225 सेंटीमीटर एक ईयर के अंदर वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल मासिनराम में आती है. उसके बाद ऐसी जगह भी यहाँ पर है जहाँ पर लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक, ड्राइस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आपके पास रेड सी से लेकर मंगोलिया का जो रीजन आगे, इसको हम कहते हैं कि ड्राइस्ट प्लेस है वर्ल्ड की. नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर अगर हम देखें तो मोजिस से लेकर मोजिस एंड लाइकन ऑफ द टुंड्रा रीजन टू द एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट, के हर जगह से मोजिस से लेकर आपके पास साउथ ईस्ट के एवरग्रीन फॉरेस्ट तक ही एक्सटेंड कर रहा है. तो हर टाइप का फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. लार्जेस्ट कल्टिवेबल लैंड वर्ल्ड की वो आपको एशिया के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक. लार्जेस्ट इरीगेटेड लैंड आपको देखने को मिलेगी एक साइड, दूसरी साइड पर लार्जेस्ट मिली लॉन्गेस्ट मिलीनेज ऑफ कैनाल्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. हाइएस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्ल्ड के, हाइएस्ट प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर रेयन की, उसके बाद सिल्क की, इन सब की हम हाइएस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं. फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कि हम इसको कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम कहते हैं. क्यों कहते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पर जो कि अभी तक मैप ही नहीं हुए, यानी जो वर्ल्ड के अंदर मैपिंग ही नहीं की गई, और ऐसे एरियाज जो प्रैक्टिकली अनइनहैबिटेड हैं, जहाँ पर लोग रह ही नहीं सकते. लेकिन एक साइड ऐसे रीजन भी हैं, तो दूसरी साइड वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटीज़ जैसे टोक्यो, मुंबई, ये सब भी सिटीज़ यहाँ पर एक्सट्रीम रिलाई कर रही हैं, ओके. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि इसको क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ रिच हेरिटेज, ठीक है, कि
यहाँ पर फ्यूचर और पास्ट की बहुत सारी वैलीज जो हैं, जैसे इंडस वैली हो गया, टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली, ये सब के सब लाई कर रहे हैं, जिनको क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, और फिर एस्पेक्ट आ जाता है पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन एस्पेक्ट में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट बर्थ प्लेस ऑफ मैन, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मैन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर रूट्स इन द साइल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ओके, हर एक रिलीजन के जो मैन है वो आपके पास उसकी जो रूट्स हैं वो यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। हर कलर, हर रेस, हर रिलीजन के कंट्री आपको देखने को मिलेंगे लोग। उसके बाद इसकी पॉपुलेशन देखें तो 3 times ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, 4 times इंडिया से ज़्यादा, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद 7 times नॉर्थ अमेरिका से, और 170 times ग्रेटर है किसे, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से। ठीक है, लैंग्वेजेस के अंदर भी यहाँ पर वैरायटी है, मोर देन आपके पास 200 लैंग्वेजेस यहाँ पर स्पीक की जाती है, और उसमें से ऐसी जो हैं 20 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि भाई एटलीस्ट 1 million people, 1 million से ज़्यादा, 20 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि 1 million से ज़्यादा पॉपुलेशन बोल रही है कंटिन्यूसली। ठीक, यहाँ पर आपके पास एडवांस नेशंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जापान, इंडिया, चाइना, ये सब एडवांस है, ये भी एशिया के अंदर हैं। वहीं सब इंडस्ट्रियली बैकवर्ड्स या इंडस्ट्रियली डेवलपिंग जो हैं वो आपके पास इराक, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब हैं। डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के अंदर भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आपके पास मंगोलियन ग्रासलैंड्स के नोमैड्स हैं। ठीक है, जापानीज़ और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो एक साइड नोमैड आ गए, एक साइड इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, दोनों के अंदर वैरायटी है। तो ये फर्स्ट सब यूनिट में यही चीज़ें हैं कि भाई एक्सट्रीम्स एंड एक्सट्रीम चीज़ें बतानी है। एक उसको हमने एशिया का एक पूरा ओवरव्यू दे दिया कि भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सट्रीम भी लाई कर रही हैं, कुछ बीनीथ भी लाई कर रही हैं, बहुत हाई पे भी हैं, बहुत लो पे भी हैं। ठीक है, कुछ मैक्सिमम क्या चीज़ है और मिनिमम क्या चीज़ है। तो यही आपके पास टॉपिक है इसका कम्प्लीट। थैंक यू।